हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर ट्यूटोरियल ऑफ आफ्टर इफेक्ट्स। तो आज हम जानेंगे 4 ऐसे प्लगइन जो एक आफ्टर इफेक्ट यूज़र के पास होने ज़रूरी है, ज़रूरी कह सकते हो या फिर वो तुम्हें एक एडिट में हेल्प करेंगे। तो बिना किसी टाइम बर्बाद किए चलो शुरू करते हैं। तो पहला प्लगइन है हमारा सेबर। तो जस्ट सेबर, इन सबका लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। तो पहला प्लगइन हम लेंगे सेबर, कॉम क्रिएट करेंगे, नाम लिखेंगे सेबर। ये मैं ज़्यादा लंबी नहीं बनाऊंगा, ट्यूटोरियल डीप कोई नहीं होगा, ये बस छोटी वीडियो होगी, तो मैं जल्दी जल्दी कवर करूंगा सारे। तो ये सेबर हो गया। तो सेबर जस्ट तुम्हें एक टेक्स्ट ले लेना या फिर कोई भी तुम्हें पिक्चर ले लेना जो तुम्हारा मन है। अभी की टेक्स्ट ले लेता हूँ, 60 लिखता हूँ मैं यहाँ पे। दो सेटिंग्स, उसको अलाइन करो सेंटर में, सॉलिड। सेबर फ्री प्लगइन है, तुम वैसे डाउनलोड कर सकते हो, पर तुम्हें लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा। तो ये सेबर हमें ड्रैग एंड ड्रॉप किया हमने सॉलिड लेयर पर, तो हमें इस लेयर की कॉपी चाहिए। तो हम जस्ट यहाँ पे जाएंगे कस्टमाइज कोर सेबर। अगर तुम्हारा लेयर मास्क है, तुमने कोई मास्क बनाया है, तो तुम इसको सेलेक्ट कर सकते हो। अगर तुमने टेक्स्ट लेयर है मेरी, सोर्स कौन सा है तुम्हारा, 60 FPS, ये 60 में हो गया। ग्लो थोड़ा तुम यहाँ से इंटेंसिटी कम कर सकते हो, यहाँ से सेपरेट कम कर सकते हो। ब्यास, ये जो ब्यास जो इसको बोलते हैं, जो तुमने अभी शुरू शुरू में एक लाइन देखी थी, जो लाइन के सेंटर में जो वाइट कलर का पार्ट था, वो उसको उसका साइज है, ये एक कोर साइज है तुम्हारा। तो मैं थोड़ा ऐसा रख लेता हूँ। तो बस अब तुम्हें एक सेटिंग से प्ले करना है। मैं तुम्हें जल्दी सेटिंग बता देता हूँ जो मेरी सेटिंग होती है। मैं एंड ऑफसेट और स्टार्ट ऑफसेट पे की फ्रेम लगाया, यू दबाया कीबोर्ड पर, कुछ फ्रेम आगे गए, स्टार्ट ऑफसेट को किया 100, एंड ऑफसेट को किया 0। जस्ट ये तुम्हें ये दो पॉइंट अब याद रखें, बाकी तुम कोई भी एनिमेशन बना सकते हो। लाइक कोई मैंने ये एनिमेशन बनाया, ये क्या हो रहा है, यहाँ से शुरू हो रहा है, ख़त्म हो के फिर शुरू हो गया उसी एंगल से। तो मैं थोड़ा इसको आगे करता हूँ, इसको थोड़ा आगे की फ्रेम आगे कर देता हूँ, तो ये थोड़ा लेट शुरू होगा और लेट ख़त्म होगा। बस सेम मैं इसको आगे कर दूंगा, इसको थोड़ा पीछे कर लेते हैं। जस्ट प्ले विथ सेटिंग्स दैट यू वांट, तो तुम बहुत मस्त मस्त ये बना सकते हो। ये तुम्हारा रिवर्सल हो गया। अब तुम अगर स्टार्ट ऑफसेट 0 करते हो शुरू में, एंड में 100 रह जाते हो, तो तुम्हारा एक, अगर ये थोड़ा फास्ट हो गया तो मैं तुम्हें वैसे दिखाता हूँ, ये स्टार्ट होगा और एक एंड हो जाएगा स्मूथ। और तुम यहाँ पे राउंडनेस सेलेक्ट कर सकते हो 2, और स्मूथनेस सर्कल की, और स्टार्ट साइज तुम 0 कर देना, कुछ ऐसा दिखेगा। तो बेसिकली यही है। यहाँ से तुम रेंडर सेटिंग पे जाके इसको ब्लैक से ट्रांसपेरेंट कर देना, ताकि नीचे वाली चीज़ ऊपर दिखे। तो अभी कुछ इसके टेक्स्ट के ऊपर चल रहा है। तो एक प्लगइन ये हो गया। नेक्स्ट प्लगइन की हम बात करें, तो नेक्स्ट प्लगइन हम बोलेंगे पार्टिकुलर एक ट्रैप कोड, आई थिंक मैं सही नाम ले रहा हूँ, RG ट्रैप कोड का फैमिली प्लगइन है। ये थोड़ा पेड है, बट डिस्क्रिप्शन में लिंक है, डाउनलोड कर लो। तो इसको जस्ट हम ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे, ये पार्टिकल्स में हेल्प करता है। जो तुमने मेरे एडिट में मैक्सिमम देखे होंगे, हार्ट चलते हैं, तुम ओवरलेज भी यूज़ कर सकते हो, बट ओवरलेज क्या है, तो 3D में मैक्सिमम काम नहीं करते, उसके लिए तुम्हें खुद बनाना पड़ता है 3D। तो बेसिकली सॉलिड लो, ड्रैग एंड ड्रॉप। ये सेटिंग थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, तुम किसी भी यूट्यूब पे जाके लिखोगे भी पार्टिकल्स, तुम्हारे बहुत सारे ट्यूटोरियल मिल जाएंगे। तो अभी के लिए मैं बेसिक रख रहा हूँ। यहाँ पे हम MSCO टाइप सेलेक्ट कर लेंगे, कितने तुम्हें कॉन्टीन्यूस चाहिए, एक्सप्लोर चाहिए, या फिर ये बताना चाहता हूँ कॉन्टीन्यूस चाहिए, एक्सप्लोर चाहिए, कॉन्टीन्यूस में लगातार आते रहेंगे। मैं इसमें
सपोज 500 रख देता हूँ तो बहुत सारे पार्टिकल्स हो गए, पॉइंट में रख देता हूँ बॉक्स, तो एक और बॉक्स बन गया। यहाँ से हम साइज इंडिविजुअली सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे मैं इस लेता हूँ, मैंने इसका ले लिया 5000, इसका ले लिया 5000, इसको भी ले लिया 5000, ये बन गया पार्टिकल्स बन गए हल्के हल्के स्नोफॉल टाइप। यहाँ से तुम पार्टिकल टाइप चेंज कर सकते हो बहुत सारे। यहाँ पे मैं स्पिरिट पे जाता हूँ तो मैं स्पिरिट सिलेक्ट करो, स्पिरिट क्या मर्जी है। यहाँ पे तुम्हें डिफॉल्ट मिल जाएंगे ये हार्ट वाले जो मैं मैक्सिमम यूज करता हूँ, यहाँ पे हार्ट आ जाए। साइज रोटेशन थोड़ी साइज बड़ा कर लो तुम्हें देखने लगेंगे। तो यहाँ से तुम स्प्राइट चेक करके जस्ट क्लिक ओके, तो तुम्हारे कॉम्प के ऊपर आ जाएंगे। तो नेक्स्ट प्लगइन की बात हम इसी लेयर पे कर लेते हैं जो पार्टिकल्स पे। तुम पार्टिकल लेयर्स देख रहे होंगे, तुम्हें ये नॉर्मली लग रहे होंगे, कोई ग्लो नहीं है इनमें। तो एक बेसिक ग्लो डालने के लिए तुम्हें प्लगइन आता है डीप ग्लो, तुम कोई भी ग्लो यूज़ कर सकते हो। माय पर्सनल चॉइस, मैं डीप ग्लो यूज़ करता हूँ क्योंकि ये मुझे ज़्यादा सेटिंग्स प्रोवाइड करता है एंड ऑल दैट। तो जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे हम इसी में, तो ये तुम्हें ग्लो करने लगेंगे। तुम इसको लेके बहुत सारे अपने बना सकते हो, लाइक इफेक्ट बना सकते हो। लाइक तुमने फ्लिकर डाल दी तो फ्लिक करने लगेंगे, जो मर्जी। तो बेसिकली मेन सेटिंग मैं आपको बता देता हूँ जो मेरी पर्सनल यूज करता हूँ, 0.65 एक्सपोजर रखेंगे। जस्ट ये बन गई तुम्हारी एक अच्छा सा गाइडलाइन हो गया। नेक्स्ट प्लगइन की बात करेंगे हम ऑप्टिकल फ्लेयर्स, वो भी एक पेड प्लगइन है बट हाँ मिल जाएगा, वीडियो कॉपाइलट से आता है। वो तुम्हें एक लेंस फ्लेयर प्रोवाइड करता है जो बेसिकली तुम्हें एक नेचुरल लुक प्रोवाइड करता है एडिट में। तो जस्ट इसी लेयर में हम सेलेक्ट करते हैं सॉलिड, गो टू इफेक्ट न्यूट्रिशन, सर्च ऑप्टिकल फ्लेयर्स, ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे। ये कुछ समथिंग ऐसा बन के आता है, तुम इसे रोटेट कर सकते हो। यहाँ से ऑप्शन पे गए, यहाँ से बहुत सारे प्रीसेट आ जाएंगे, तुम अपना प्रीसेट बना सकते हो ऐसे सेव प्रीसेट करके। मतलब बेसिकली मैं ये लेता हूँ और इसका कलर अगर जो मर्जी चेंज करना हो, मैं अभी बैकग्राउंड के हिसाब से रेड ले लेता हूँ, ये रेड। जस्ट क्लिक ओके ओके, तो ये बैकग्राउंड में कलर प्रोवाइड कर देता है। और यहाँ से जाके तुम और ट्रांसपेरेंट कर दो तो तुम्हारा एक टैम टैम हो जाएगा, तो तुम्हारा ये लुक अच्छी आ जाएगी। तो मैंने अभी आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। तो आज मैंने 10 प्लगइन आपको 4 प्लगइन समझाए, तो शायद फ्यूचर में मैं और बताऊँ तुम्हें, बट मैं मैक्सिमम यही सब यूज़ करता हूँ एडिट्स में। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी हो तो तुम आगे सब्सक्राइब कर सकते हो, मेरे एडिट चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो, सारे सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड कमेंट में बताना कोई और ट्यूटोरियल चाहिए तुम्हें तो। थैंक यू, बाय।